Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब चावी ने एक इंटरव्यू में क्लियर अपना स्टैंस दिया है कि क्या उनका स्टैंस है फ्रेंकी डियोंग की ट्रांसफर सागे के ऊपर। कार्लो एंचेलोटी हिंट कर रहे हैं क्या ईडन हजार्ड अगले सीजन रियल मैड्रिड रुकेंगे ही नहीं रुकेंगे। बायर्न की स्पोर्टिंग डायरेक्टर भाई साहब लेवेंडोस्की के ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर अपना बात कहे हैं, जिससे क्लियर हो रहा है कि लेवेंडोस्की रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। और भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग कैंप में दो प्लेयर्स की झड़प हो गई है। ऐसी फुटबॉल न्यूज़, यही फुटबॉल न्यूज़ आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। और ये एक नया सेगमेंट है जिसमें मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे फुटबॉल की न्यूज़ जो है वो निकाल के लेके आऊँगा। ये वीडियो जो है वो डेली 8 या 9 बजे या 7 बजे दिनों में से कोई एक टाइम को जो है ड्रॉप कर दी जाएगी चैनल में। आई नो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये साला हमेशा बोलता है कंसिस्टेंट रहेगा लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको इस बार वाउच कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज 14 तारीख है 14 से अगले महीने की 1 तारीख तक डेली वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि यू नो व्हाट मैं जान रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ चैनल में, मानता हूँ भाई, लेकिन आप देखें अब हम घर में आ चुके हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैक्स को भी देख रहे हो क्या? मैक्स का पैर दिख रहा होगा, यहाँ पे मुंह दिख रहा है, पता नहीं जो भी दिख रहा है, ठीक है मैक्स है वो। तो मैं घर आ चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं रोक रहा है डेली वीडियोस डालने के लिए। सो अब डेली वीडियोस आएंगी, वॉच अलॉन्ग भी होगा और मैं आने वाले 1-2 घंटे में अपना स्केड्यूल जो है वो डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस दिन आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। अब आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन द चैनल, आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस, और एक पर्सनल यू नो व्हाट रीज़न भी है जिसके चलते मैं कंसिस्टेंट होना चाह रहा हूँ चैनल पे। सो या एनीवेज भाई साहब, सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन के ऊपर चावी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें चावी थोड़े से क्लियर नजर आए हैं टॉकिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन। आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फ्रेंकी डियोंग लिंक्ड है एक ट्रांसफर के लिए बार्सिलोना से बाहर। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, बायर्न इंटरेस्टेड है, पीएसजी इंटरेस्टेड, और ऑब्वियसली इंटरेस्टेड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग है 25 साल के बेहतरीन मिडफील्डर जिसके ऊपर हर एक क्लब की जो है वो नजर बनी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो आप, बार्सिलोना को अपने इस टैलेंटेड मिडफील्डर को बेचना पड़ सकता है फाइनेंशियल रीजंस के चलते। अब इसमें फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं क्योंकि आपको फाइनेंशियल रीजंस का अगर आपका है तो आप भाई साहब उमटीटी को बेचें, लॉन्गले को बेचें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को बेचें, लेकिन यू नो व्हाट, हो सकता है 80-90 मिलियन के लिए एक ईजी स्केप गोट जो है वो फ्रेंकी डियोंग है और बोर्ड चाह रही है फ्रेंकी डियोंग को बेचना। लेकिन अभी तक जो है वो रिपोर्ट्स क्लियर नहीं थे, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे थे कि हाँ ये होगा, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे थे कि ये नहीं होगा, क्योंकि चावी की तरफ से अभी तक ग्रीन लाइट नहीं आया है। बट आज एक इंटरव्यू हुआ है चावी का जिसमें चावी 100% क्लियर हैं अपने स्टैंड को लेकर के फ्रेंकी डियोंग के सिचुएशन के ऊपर। चावी कहते हैं, फॉर मी ही इज़ अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही हैज़ बीन अ स्टार्टर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ही इज़ फंडामेंटल फुटबॉलर, बट देन देयर इज़ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑन विच वी ऑल डिपेंड, वी नीड टू नो the financial situation in order to make some decisions and then we'll take one decision or another. I don't mean with Frankie in general, he's a player that I like a lot, but we'll see what the situation is. अब ये पढ़ने के बाद जो चावी कह रहे हैं फ्रेंकी डियोंग के ऊपर, मैं अभी भी ये कहूँगा कि ये अभी भी बहुत मिक्स्ड स्टेटमेंट जो है वो चावी की तरफ से देखने को आया है। एक तरफ चावी भाई साहब प्रेस कर रहे हैं फ्रेंकी डियोंग को ये कह करके कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो स्टार्टर रहा है मेरे लिए ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, बट फिर वो उस फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर भी नज़र डाल रहे हैं कि वो फाइनेंशियल सिचुएशन भी है जिसके ऊपर हमको नज़र डालना पड़ेगा, और उस फाइनेंशियल डिसीजंस के उस फाइनेंशियल सिचुएशन के तत्व पे हमको जो है वो डिसीजन जो है वो बनाना पड़ेगा। अब वो डिसीजन या तो एक तरफ हो सकता है या तो दूसरी तरफ हो सकता है, लेकिन फिर आखिरी में ये भी कह देता है कि मैं केवल फ्रेंकी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से चावी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमको फ्रेंकी जाते हुए नज़र आएगा कि नज़र आएगा, अभी तक क्लियर नहीं है। स्टिल अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये भी इंटरव्यू बहुत मिक्स्ड है। एक तरफ आप फ्रेंकी की तारीफ कह करके ये कह दे रहे हो कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखना पड़ेगा, फिर आप आखिरी में ये भी कह रहे हो कि केवल फ्रेंकी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस चावी हिंटिंग ऑन मैनी अदर्स प्लेयर लीविंग एज वेल, जैसे मेम्फिस डिपाई हो गए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं बार्सिलोना की टीम के, टर्स चेगन हो गए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं बार्सिलोना के। तो यू नो व्हाट, कुल मिला के मैं ये सम अप करना चाहूंगा, दिस ट्रांसफर विंडो विल बी ह्यूज फॉर एफसी बार्सिलोना, बी इट डिपार्चर्स और बी इट अराइवल, हमको काफ़ी सारे प्लेयर्स जाते हुए नजर आएंगे और काफ़ी सारे प्लेयर्स आते हुए भी नजर आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो समर विंडो हमको देखने को मिलेगी एफसी बार्सिलोना के नज़र में,
स्टिल अनक्लियर फ्रेंकी डी योंग रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी भी इस चावी के इंटरव्यू से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट कार्लो एंचेलोटी हिंटिंग एट ईडन हजार्ड का जो है वो स्टे एट रियल मैड्रिड। देखें, ईडन हजार्ड जो है वो एक 100 मिलियन जो है वो ट्रांसफर थे रियल मैड्रिड के, और मैं ये कह सकता हूँ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रांसफर इन द फुटबॉलिंग हिस्ट्री ईडन हजार्ड का ट्रांसफर फ्रॉम चेल्सी टू रियल मैड्रिड कहा जा सकता है। ईडन हजार्ड मेरे फेवरेट प्लेयर थे जब वो चेल्सी में खेला करते थे, क्योंकि उनके पास वो मैसी टाइप की एबिलिटीज में लेफ्ट विंग में देखने को मिलती थी। जो मैसी राइट विंग में करते थे वैसा ईडन हजार्ड लेफ्ट विंग में करने की जो है वो कमाल रखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जब से वो रियल मैड्रिड में आए हैं ईडन हजार्ड की तरफ से हमको एक वैसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंजरीज। 100 मिलियन ट्रांसफर, बट इंजरीज ने इस ट्रांसफर को पूरे तरीके से जो है वो ख़राब कर दिया, और हमको ईडन हजार्ड हर एक सीज़न इन एंड आउट इंजर्ड ही नज़र आए हैं। टॉकिंग अबाउट इसकी स्टे, तो यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने क्लियर कह दिया है ईडन हजार्ड विल स्टे एट रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीज़न। हजार्ड्स प्लान इज़ रियली वेरी क्लियर, ही वॉन्ट्स टू शो हिज क्वालिटी नेक्स्ट सीज़न। भाई साहब, तो यहाँ पे जो है वो ये कन्फर्म हो चुका है कार्लो एंचेलोटी की तरफ से कि ईडन हजार्ड जो है वो स्टे करेंगे अगले सीजन रियल मैड्रिड में। एंड यू नो व्हाट, खबरें नज़र आ रही थी रिटर्निंग टू चेल्सी और नॉट, या फिर कोई और क्लब में ट्रांसफर और नॉट, क्योंकि अच्छा ट्रांसफर ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के लिए नहीं रहा है। बट अब जो है वो क्लियर हो रहा है कि ईडन हजार्ड जो है वो रुकेंगे अगले सीजन रियल मैड्रिड में। एंड इफ रियल मैड्रिड में ईडन हजार्ड अपने फॉर्म को वापस से लेकर के आते हैं, तो इट विल बी अ ह्यूज रिलीफ फॉर विनीशियस जूनियर। विनीशियस जूनियर बहुत ही बेहतरीन रहा है इस सीजन, ऑब्वियसली मैं तो कहूंगा 40 गोल एंड असिस्ट कंट्रीब्यूशन है जहां तक विनीशियस जूनियर के इस सीजन में रियल मैड्रिड के लिए। बट यू नो व्हाट, हर एक गेम 90 मिनट स्टार्ट करना किसी भी प्लेयर के लिए डिफिकल्ट होगा, और अगर ईडन हजार्ड धीरे धीरे अपने फॉर्म को जो है वो वापस से बैकअप करते हैं, तो आई कैन से दिस कि ईडन हजार्ड कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ विनीशियस जूनियर। ये हम लोग ऐसा सोचे थे कि ईडन हजार्ड का रिप्लेसमेंट होगा विनीशियस जूनियर, बट अनफॉर्चुनेटली देखें कैसे टाइम बदलता है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, अब हम ये कह रहे हैं कि विनीशियस जूनियर के यू नो व्हाट एक सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं ईडन हजार्ड धीरे धीरे फॉर्म जो है वो अगर बैकअप करते हैं, तो ऑब्वियसली एक अल्टरनेटिव विनीशियस जूनियर के ईडन हजार्ड हमको नजर आ सकते हैं अगर वो फॉर्म को जो है वो पिकअप करें, और अगले सीजन रुकेंगे ईडन हजार्ड रियल मैड्रिड में, ये कंफर्म जो है वो करता है कार्लो एंचेलोटी। टॉकिंग अबाउट लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना की न्यूज, तो यहाँ पे बायन की जो स्टैंस थी वो क्लियर नहीं नजर आ रही थी। बायन ये कह रही थी कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है लेवेंडोस्की का और हम नहीं जाना देना चाह रहे हैं। Although लेवेंडोस्की being a professional जो वो इतने समय से हैं, लेवेंडोस्की जो हैं वो भाई साहब ज़्यादा पुश नहीं कर रहे ट्रांसफ़र को, बट हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने ये क्लियर किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट यू नो वॉट, प्लीज़ मेरे को आप जाने दें। लेकिन बायन कह रही थी कि नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं इस सीज़न, तो आप रुकेंगे। लेकिन अब ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि लेवेंडोस्की अब पुश करने लगा है अपने ट्रांसफ़र के लिए। अभी कुछ खबर आई थी जिसमें लेवेंडोस्की अपने एजेंट को बोले थे कि भाई आप जा करके बात करें बार्सिलोना से मेरी ट्रांसफर के लिए, तो ये खबर अब जो है वो और मैं कह सकता हूं कि रियल हो चुकी है, क्योंकि यहां पे बायन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो कंफर्म करते हैं कि लेवेंडोस्की वांट्स टू लीव। उनका ये इंटरव्यू आया है जहां पे उन्होंने ये क्लियर कहा है कि आई स्पोक टू लेवेंडोस्की ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट आर ऑफर टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट ही वुड लाइक टू लीव द क्लब। He said that he would like to try something new, but our position has not changed. Lewandowski has a contract until June 30, 2023, and that is a fact. तो यहाँ पे जो है वो लेवेंडोस्की के ऊपर बायन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने बता दिया कि हाँ, लेवेंडोस्की छोड़ के जाना तो चाहता है क्लब, लेकिन हम अभी भी जो है वो अपनी स्टैंस को बरकरार करके रखें, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेवेंडोस्की को फुलफिल करना पड़ेगा। बट ये इंटरव्यू में कह रहा है, वो प्रेशर बना रहा है लेवेंडोस्की के ऊपर, बट सिंस अब ये भी क्लियर कर चुके हैं कि लेवेंडोस्की वॉन्ट्स टू लीव, तो यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने आ करके बायन के फैंस को ये कह दिया है कि देखें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो हमेशा ये चीज़ कही है कि भाई साहब इसका कॉन्ट्रैक्ट स्टे करना पड़ेगा, बट इसने ये भी कह दिया कि लेवेंडोस्की खुद छोड़ करके
जाना चाहते हैं। तो अगर लेवेंडोस्की जाता है तो बायर्न फैंस, हम बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया, हम तो कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट है वो सीधा लेवेंडोस्की के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हाथ ऐसे जो है वो साफ कर रही है इस बायर्न की बोर्ड, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि बायर्न जो है वो चाहेगी तो लेवेंडोस्की को जाने देना, क्योंकि ऑब्वियसली 30 प्लस एज है लेवेंडोस्की की, और अगले सीजन फ्री ट्रांसफर होगा तो फिर क्या ही मतलब होगा यार। बार्सिलोना रिपोर्टेड, मतलब बार्सिलोना की तरफ से रिपोर्ट ऐसी है कि 30 मिलियन रेडी है भाई साहब बार्सिलोना देने के लिए। तो मेरे ख्याल से 30 मिलियन इज यू नो व्हाट बेटर देन फ्री। तो मेरे ख्याल से बायर्न जो है वो हिंट दे दी है यहाँ पे सभी लोगों को कि लेवेंडोस्की का ट्रांसफर इज ऑन दी यू नो व्हाट कह सकते हैं वे, बट यू नो व्हाट हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, हम तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके जाना है। तो ये जो है वो कुछ खबरें थी। वन मोर खबर जो मैं आपको प्रॉमिस किया था मैं बता दे रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो ब्राइटन के खिलाफ लड़ाई हुई थी उसके बाद ट्रेनिंग्स के लिए छुट्टी दी गई थी, उन छुट्टी के बाद कल एक ट्रेनिंग हुई है जहाँ पे दो सुपरस्टार प्लेयर्स की जो है वो लड़ाई हुई है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो दो सुपरस्टार प्लेयर्स कौन थे, कुछ कह रहे हैं लेवेंडोस्की सॉरी कुछ कह रहे हैं मगवायर और डिएगो थे, कुछ कह रहे हैं मगवायर और पोगबा थे, कुछ कह रहे हैं रोनाल्डो और मगवायर, तो पता नहीं कौन दो सुपरस्टार्स की लड़ाई हुई है। बट ऐसी खबर निकल के आई है कि हाँ दो लड़ाई हुई है दो सुपरस्टार्स की, और उस लड़ाई के चलते जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रेनिंग थी उसको भाई साहब जल्दी जो है वो हमारे रैल्फ रैंगनिक जो है वो छुट्टी दे दिए कि भाई लड़ाई वड़ाई हो रहा है चलो जाओ घर जाओ ऐसे करके। तो ये भी एक खबर है। तो ये खबरें थी आज की फुटबॉल न्यूज़ की। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सुन करके, और ये सेगमेंट थोड़ा सा कुछ मैं नया ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता है। तो अब डेली जो है वो आपको ऐसी फुटबॉल खबरें जो है वो देखने को मिलेगी सुनने को मिलेगी। टिल नेक्स्ट वीडियो हमेशा बारसा जय हिंद, एंड ऑब्वियसली We will be doing watch alongs as well on the channel. अब तो देखते हैं कुछ नया ट्राई करूँगा वॉच अलॉन्ग में इनकॉर्पोरेट करने की, अब देखते हैं कुछ सोचता हूँ मैं बैठ करके। ठीक है, आज थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन किया हूँ मैं कि कैसे चैनल में वापसी करी जाए, एंड एक स्केड्यूल बनी है जो मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूँगा बहुत जल्द। तो डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो हमेशा।